एनटीएफ कश्मीर। इसमें एक स्मगलर जिसका नाम है जहीद अहमद खोजा, सन ऑफ अमरीक खोजा, रेजिडेंट ऑफ केरन कुपवाड़ा, उसको अरेस्ट किया गया है गंगबाग श्रीनगर से विद 3.5 केजी हीरोइन लाइक सब्सटेंस। इसकी जो अप्रॉक्सीमेट कास्ट है वो करोड़ में है। ये एनटीएफ जेएनके के लिए काफ़ी बड़ी सक्सेस है। इस रिकवरी से काफ़ी लोगों की जान बचेगी जो इसको यूज़ करते, और बहुत सी बार जब हमारे एडिक्ट ओवरडोज ले लेते हैं तो इससे इनकी जान भी चली जाती है। इसके लिए हमारा एफआईआर नंबर 3/2023 अंडर सेक्शन 8/21 एनडीपीएस एक्ट रजिस्ट्रेशन एनटीएफ कश्मीर में रजिस्टर हुआ है। इस पर अभी तफ्तीश चल रही है। इसके फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, और अगर इन स्मगलर्स ने कोई प्रॉपर्टी रेज की है जो प्रोसीड है ड्रग्स के पैसे की स्मगलिंग की, उस प्रॉपर्टी को भी हम पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं, कन्फिस्केट करते हैं और स्वीप भी करते हैं। इस जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने इसको काफ़ी सराहा है, और हम उनसे ये अपील भी करते हैं कि वो हमें टाइमली इंफॉर्मेशन दें, ताकि जितने भी पेडलर्स पेडलिंग कर रहे हैं उनके इलाके में या स्मगलर्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके ऊपर नज़र रखें, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। ऐसे बंदे जो जिनको कोई काम नहीं करते हैं, जिन्होंने लाखों रुपए की गाड़ियां ली हुई हैं, उनके ऊपर नज़र रखें, हमें इंफॉर्मेशन दें, ताकि हम उनको रंगे हाथ पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। एनटीएफ जेएनके ने अभी तक 15 एफआईआर रजिस्टर की है, और जो हमारी एफआईआर रहती है वो कमर्शियल क्वांटिटी की रहती है, और इन सभी पे तफ्तीश चल रही है। बाकी एक अवेयरनेस का हमारा पार्ट रहता है, हम पब्लिक को अवेयर करते हैं। हम आपके इस मीडिया के थ्रू भी लोगों से ये अपील करते हैं कि आप अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने एरिया पे नज़र रखें, अपने इलाके पे नज़र रखें। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके हमें इंफॉर्मेशन शेयर करें। आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ताकि इन फ्यूचर भी हम ऐसे ऑपरेशन कर पाएँ जिससे लोगों की आगे जाने बचे और सब ठीक रहे। सर एक तो बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, अभी तक क्या दे रहे हैं स्कूल स्कूल में जाके, अभी तक कुछ ऐसे इनको मिले हैं जो अवेयरनेस दे रहे हैं? देखो, अवेयरनेस से हमारे पास पब्लिक से इंफॉर्मेशन आती है, हम उस पर काम करते हैं, पब्लिक कोऑपरेट करती है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि और ज़्यादा से हमारे साथ कोऑपरेट करें, ताकि और बढ़िया से हम काम कर पाए। मैडम, ये अभी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीकेजेस पे अभी इन्वेस्टिगेशन होना है, क्योंकि अभी ये केस का ही रजिस्टर हुआ है, तो अभी ये बड़ा इनिशियल स्टेज पे है, तो इस पे वहाँ कमेंट करना थोड़ा सा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, पर लेकिन पता चल रहा है कि इसके साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, और क्या वो बाहर से यानी कि इंडिया से बाहर से हो सकते हैं, पॉसिबल से हो सकते हैं? नहीं, ये अभी तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन में जो सरफेस होगा उसके बाद ही बोलना। आपको टेररिज्म का भी इसमें एंगल हो सकता है, तो क्या उस बारे में कोई इनपुट या कोई इनिशियल जानकारी? देखो, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है वो तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा।